वेलकम टू अमनास वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा भी बिल्कुल ठीक हो चुकी। आज हम आए हैं शॉपिंग करने के लिए हाइफा मॉल। हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहाँ है आप? हैं शॉपिंग करने? हम मॉल में पहुंच चुके हैं। ये देखिए, हम किस चीज की शॉपिंग के लिए आए ये जानने के लिए तो आपको हमारी वीडियो एंड तक जरूर देखना होगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको शो हो सके। हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। मैं इस मॉल में फर्स्ट टाइम आई हूँ। रश इतना ज्यादा नहीं है मगर अच्छा है, बड़ा है। हमने एक स्पेसिफिक शॉप पे जाना है, उसी का मैप लगा के उसी को फॉलो कर रहे हैं। ये डेकोर्स की चीज़ें कितनी अच्छी हैं। ये देखिए जेस, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कौन कौन सी गेम का शौक है और आपको चेस खेलना आती है कि नहीं आती। मुझे तो आती है, मैंने अपने बचपन में बहुत ज़्यादा खेली है। क्या कर रही है? क्या कर रही है? फातिमा भी आई हुई है हमारे साथ शॉपिंग करने के लिए। क्या आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्वेलरी का स्टॉल है, अमेजिंग। वैसे माशाल्लाह हर जगह आके बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। वैसा ये देख के, ये कहाँ लगाते हैं? शाम ड्यूटी पे लगे हुए हैं दोनों बेटियों को संभालने में और मैं वीडियो बनाने में बिजी। डेज़ो जापान की कोई शॉप, इनकी बर्ड डॉग्स अच्छी होती है। मिनी सो के नाम से थी पहले, ये कोई अब नहीं, न्यू ओपन हुई है, अच्छी है। इस शॉप के हमने जाना था जिसको हम फॉलो कर रहे थे ऑन टाइम, आखिरकार हमें मिल चुकी है। अब हम जा रहे हैं अंदर, हमें लेनी है वॉच किसी को गिफ्ट करने के लिए। ये भी थोड़ा सा सस्पेंस है किसको गिफ्ट करना है। लेनी है? ये कहाँ लगाते हैं? वो अंकल मारेंगे आप। काफी अच्छी कलेक्शन है इनके पास। भी है इनकी शॉप पे, ज्यादा आर्टिकल्स तो नहीं है मगर हैं ज्वेलरी की। वैसे आपकी बच्चों वाली भी है, ये देखे छोटी छोटी सी। वैसे ये देखे कौन सी लेनी, ग्रीन येलो या पिंक? बताओ
बताओ कौन सी लेनी है, बताए ना पहले। पिंक हाँ ना, अब निकलवाई है तो पहन कर भी देख लो के हाथ पे कैसी लगती है। पहन के देखो तुम बताओ। ले लो, मैं पेमेंट तो आप ही ने करनी है, ले लो आप ही की। पहले देखो तो सही, अच्छी भी लग रही है, नहीं क्या पता अच्छी ना लग रही हो। मुझे तो अच्छी लग रही है, आप देखिए आपकी पॉकेट को अच्छी लग रही है। पॉकेट को महंगी लग रही है बहुत ज्यादा। चलो कोई और देख लेते हैं। हमारी वॉच की शॉपिंग तो हो गई है कम्प्लीट। हम ज़्यादा अब नहीं विंडो शॉपिंग करेंगे क्योंकि हमारा टारगेट ही आज ये था। किस हिसाब से ही हम घर से निकले थे कि हमें वॉच खरीदनी है। वॉच की शॉपिंग हो चुकी है तो अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। थोड़ा सा मैं आपको ऑफ़र के बारे में बताती हूँ। गेट नंबर 2 हाइफा मॉल एंटर होते ही शॉप आएगी ऑन टाइम वॉच शॉप। यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है 50% ऑफ, एक ये वाली ऑफ़र है। सेकंड ऑफ़र है बाय वन एंड सेकंड पे 50% ऑफ। बहुत अच्छी ऑफ़र है, इनके पास कलेक्शंस भी अच्छी हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया। ज़रूर विज़िट करें, इस ऑफ़र को अवेल करें। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको इनकी कलेक्शन दिखाती हूँ। लेडीज़ की भी अच्छी कलेक्शन है इनके पास और जेंट्स की भी। आज का हमारा मिशन था कि हमें वॉच परचेज करनी थी, हमारा मिशन हुआ जाता है सक्सेसफुल। हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों की कलेक्शन भी है इनके पास। रुमैसा खेलने में मगन है। रुमैसा को नहीं है कि हम किस चीज़ के लिए आए, कौन सी शॉपिंग के लिए आए। रुमैसा बस अपने मगन है खेल में। हम पास से गुजर रहे थे तो स्विस कॉर्नर पे भी ऑफर लगी हुई है वॉचेस पे। ये भी काफ़ी रीजनेबल ऑफर है तो सोचा क्यों ना इनके भी विजिट करें, पर शॉप बंद है। लेट्स ट्राई, लॉक हुई हुई है इसलिए हम अंदर जा नहीं पाए, मगर इनकी भी ऑफर अच्छी है। अब हम करवाएंगे फातिमा को ही वॉच की शॉपिंग। फातिमा बताएंगे कौन सी वाली लेनी है। फातिमा ने कौन सी वाली अच्छी है, आप बताओ इनमें से कौन सी वाली ले मम्मा, बताओ बताओ। जद्दा वाले व्यूवर्स जिनको मूवी का शौक है तो वो देख लें आजकल सिनेमा में कौन कौन सी मूवीज लगी हुई हैं। हम तो बच्चों के साथ जा नहीं सकते मगर आप अपना शौक जरूर पूरा करें। मुझे काफी टाइम हो गया सिनेमा में मूवी देखे हुए, रुमैसा से पहले मैंने देखी थी। आज मेरा दिल हो रहा है सब्वे खाने का तो हम आए हैं सब्वे लेने के लिए। दोपहर में हमारे घर बना था गोभी चिकन तो मेरा दिल नहीं कर रहा था गोभी खाने का तो मैं सब्वे खाऊंगी। रुमैसा एंजॉय कर रही है सब्वे के वेजेस। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। हमने तो खाया सब्वे। साम आप क्या खाने लगे छुप के पीछे बैठ के है? मैं छुप के नहीं खाने लगा, मैं रुमैसा आगे बैठी थी तो मैं इधर आगे बैठ गया। मैं खाने लगा हूँ पापड़ी चाट। मेरा दिल कर रहा था दो चार दिन से पापड़ी चाट खाने का तो आज मौका लग गया। आप लोगों ने तो सब कुछ खा लिया भाई, हम ये खा लें। ये है साम की पापड़ी चाट। साम खा के इसके बारे में रिव्यू देंगे। सब्वे का तो हम रिव्यू दे चुके हैं इसलिए हमने आज कोई रिव्यू नहीं दिया। सब्वे हमेशा की तरह बेस्ट है। इसाम चले इसकी बाइट ले और इसके बारे में हमें रिव्यू दे। मैं बड़ा सा बाइट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे मैंने पापड़ी ज्यादा डलवाई है। मुझे पापड़ी जो है ना वो चाट में बहुत अच्छी लगती है।
हमेशा की तरह फुल टेस्टी देसी स्नैक है ये इंडिया वाली साइड का, तो जबरदस्त। कितने नंबर देंगे? 10 में से। के लिए जो है ना, जो मेरी तरह के चस्कोरे हैं ना, ये 10 में से 11 नंबर है। हम ना काफी टाइम से अवॉइड कर रहे थे रुमैसा को, फिजी ड्रिंक्स नहीं दे रहे थे क्योंकि रुमैसा की तबीयत खराब हो जाती थी। यहाँ का माहौल एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि अंदर ही अंदर एसी बंद, घर, धूप नहीं लगती और आजकल मौसम भी चेंज हो रहा है, तो बहुत जल्दी मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो हमने फिजी ड्रिंक्स बंद किया कि शायद इससे कोई फर्क पड़े। तो इसाम पीछे बैठे थे, इसाम को था कि चले मैं पेप्सी पीऊंगा, उन्होंने पेट खोला और इसको आवाज आ गई, हमें मजबूरन आज रुमैसा को पेप्सी भी देना पड़ गई। खुश है? इसी के साथ हम अपने वीडियो का करते हैं एंड। हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।